अफ्रीकी देश सेनेगल में दो बसों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि एक बस का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित हो गई और दूसरी बस से टकरा गई। हादसे पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति मैक्री सेल ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इमरजेंसी सर्विस के ऑफिसर शेख फॉल ने बताया कि हादसे में 87 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि बड़ी दुर्घटना सामने आई है अफ्रीकी देश सेनेगल में, जहां दो बसों के बीच टक्कर हो गई है। हादसे में 40 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि एक बस का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित हो गए और दूसरी बस से टकरा गई। हादसे पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति मैक्री सेल ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।